नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी में चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज कस्बा पुखराया में बाइक यात्रा निकालकर जनादेश को एकजुट कर हुंकार भरी। कस्बा पुखराया स्थित अपने कार्यालयों में सैकड़ों समर्थकों को संबोधित करते पुखराया कस्बे से रैली का संचालन करते हुए भोगनीपुर पहुँच कर लोगों को आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों को बताया। साथ ही उन्होंने कहा, आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में अगर उनकी यूपी में सरकार बनती है तो केजरीवाल सरकार की तरफ से 300 यूनिट बिजली फ्री और साथ ही किसानों के पुराने बिजली बिल माफ होंगे। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने सूबे की योगी सरकार पर तंज कसते हुए तानाशाही किसान विरोधी बताते हुए कहा कि योगी सरकार द्वारा इन 5 सालों में बेरोजगारी के अलावा युवाओं को कुछ नहीं दिया गया। अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी सरकार युवाओं, किसानों तथा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त नियम बनाते हुए बेरोजगार हो नौकरी तथा किसानों के हित के लेकर अहम फैसले लेगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जम बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट।